सो जैसा कि पिछले साल का बजट का थीम था सप्तऋषि एंड अमृत काल एंड विच इंक्लूड्स मेनी सेक्टर्स सच एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यूथ पावर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यूथ पावर, हेल्थ सेक्टर एंड मेनी मोर. सर द मोस्ट बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ द लास्ट ईयर बजट विच हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली एलोकेटेड टिल नाउ इज द रेवेन्यू डेफिसिट विच दे आर हैविंग. द रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट इन द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ बजट इन एवरी सेक्टर्स एंड स्पेशली ऑन एजुकेशन सेक्टर्स. सो वी विश दैट दिस टाइम द बजट विल गिव अ प्रॉपर इम्फेसिस एंड प्रॉपर इम्पैक्ट ऑन द करेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, नॉट ऑन एजुकेशनल ग्रोथ बट ऑन एजुकेशनल डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड देम क्वालिटी एजुकेशन. Along with mental health awareness and physical health awareness. शिक्षा क्षेत्र को छाड़ी आज पल्सेस रेट अलरेडी स्काई रॉकेटेड अच्छी, तो गवर्नमेंट से किसी स्कीम आने दरकार कि पल्सेस रेट कमी कमी जमी अल्टीमेट कंज्यूमर उपर बर्डन टा कमी पार से अंतर्जात मार्केट अबिका क्रूड ऑयल प्राइस कमी, तो से आशा कर पेट्रोल डीजेल प्राइस कमी. सर मुझे एथर कृषि क्षेत्र को अधिक प्राधान्य दीजिए जेहेतु आगे इलेक्शन अच्छी, कृषि क्षेत्र में अधिक कृषक मान अधिक रियाती सार हरिका जोगा दीजिए भावुची, आउ शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत शिक्षानुष्ठान खोल भावुची. अनेक शिक्षानुष्ठान बर्तमान खोलुची, आईएमटी कथा कहतु, आईआईटी कथा कहतु, अनेक शिक्षा क्षेत्र बर्तमान देश सारा बर्तमान विस्तार हो राज्य में आईआईटी खोली रही आम संबलपुर, तो बर्तमान जो पूरा सिनेरियो आपण देखुछंती आउ कौन सब आशा रखुछंती आपण? देखंतु बजेट तीन टा मेन फैक्टर को नहीं हुए, भारत केते स्पेंड करिव, भारत केते इनकम करिव, आ भारतर मेजर फोकस को एरिया उपर रहिव. तो एजुकेशन जेहेतु आम कमर्स बैकग्राउंड पिला तेणुक आम एजुकेशन उपर आगु बजेट रे टंका जोटा डिसाइड होता सेटा होची 1,42,278 करोर, तो सेटा को जदि इनक्रीज कराई कि आउ किछि तादरे सिग्निफिकेंट अमाउंट आड करा हबो तेणुक आम एजुकेशन रे बहुत डेवलपमेंट हो पारिबो जोटा कि आम एटा आशा करछु. जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं.